देख सकते हैं, यह है आपका प्रोजेक्ट। नीचे अपोलो का एक दुकान है जिससे रिलेटेड मैं एक बात बताऊंगा आपको। पहले देख लीजिए लोकेशन, विश्व बांग्ला गेट से आपका 1 किलोमीटर भी नहीं है, ये बहुत वॉकिंग 10 मिनट में आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे विश्व बांग्ला गेट से। अब बताता हूँ, यही जो अपोलो डायग्नोस्टिक यहाँ पे जो लिखा है, इससे जो आपको जो रेंट आता है उससे इस पूरे बिल्डिंग का मेंटेनेंस चलता है। मतलब कि आपको इस बिल्डिंग में अगर आप फ्लैट लेते हो तो आपको 1 रुपया भी मेंटेनेंस लाइफ टाइम तक नहीं देना है। तो चलिए फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगा, कवर्ड पार्किंग। पार्किंग का स्टार्टिंग में इतना स्पेस आपको दिख रहा होगा, इसके साथ साथ मैं दिखा देता हूँ। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है पार्किंग का, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और स्पेस मिल जाएगा पार्किंग का। तो चलिए फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, ये आपका लिफ्ट होने वाला है, ये ऊपर जाने का रास्ता। चलिए एंट्री करते हैं। ये आपका 1344 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट है। ये आपका लिविंग कम डाइनिंग का टोटल स्पेस होने वाला है। पूरा रेडी टू मूव फ्लैट है ये, देख सकते हैं। काफ़ी स्पेसियस है लिविंग कम डाइनिंग, आप देख सकते हैं स्पेस कितना ज़्यादा है। एल शेप में पूरा है। यहाँ पे आपको एक किंग साइज का विंडो मिलेगा जो कि बहुत बड़ा विंडो है। एंड चलिए एंट्री तो कर चुके हैं हम, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेडरूम से। तो साइड में ही आपका फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा, तो फिलहाल एक स्टोर रूम में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसमें कुछ खास मैं दिखा नहीं पाऊँगा। बट स्पेस देखिए बस आप, स्पेसियस एकदम। यहाँ पे एक वार्डरोब रखा हुआ है, एंड इसके अलावा आप बस स्पेस देखिए कितना ज़्यादा है, एंड वहाँ पे किंग साइज़ का विंडो भी है। तो जैसे हमने यहाँ से एंट्री किया, देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने एंट्री किया, ये आपका लिविंग कम डाइनिंग एंड फर्स्ट बेडरूम बगल में मिल जाएगा। एंड ये आपका किचन होने वाला है, देख सकते हैं आप, ये है आपका किचन। पूरा एक रूम की तरह आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगा, देख सकते हैं। स्लैब की चौड़ाई बस देखिए कितनी कमाल की है, एंड नीचे बस रखने का स्पेस देखिए कितना ज़्यादा स्पेस दिया है नीचे रखने का सामान। ये आपका बेसिन का पॉइंट है, एंड ये रहा आपका विंडो। ये आपका कॉमन बाथरूम होने वाला है, देख सकते हैं। बस बाथरूम देख सकते हैं आप, किचन कितना लंबा था, एंड बिल्कुल बाथरूम भी उसी चौड़ाई और लंबाई से बनी हुई है। ये आपका बेसिन का पॉइंट है, एंड वो आपका कमोड है। ये आपका टोटल बाथरूम है जो कि कनेक्टेड है रूम से भी, एंड ये कॉमन बाथरूम भी है, देख सकते हैं आप, जो कि लिविंग कम डाइनिंग से कनेक्टेड है। एंड ये आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम है, देख सकते हैं आप। रूम का चौड़ाई और लंबाई देख लीजिए कमाल का है। 2 विंडोज़ मिलेगा आपको यहाँ पे विद अ वेरी बिग स्लैब, देख सकते हैं आप। एंड जैसा मैंने दिखाया, ये इस रूम से भी ये बाथरूम कनेक्टेड है, बेसिन का पॉइंट है, पहले दिखाया जैसा मैंने, यस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। बट उससे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये लिविंग कम डाइनिंग में आपको सबसे सीधा भी मिल जाएगा एक बहुत ही कमाल का बालकनी। ये देख सकते हैं स्पेसियस बालकनी है यहाँ का, जिसमें आपका नल का पॉइंट किया हुआ, आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। सामने ही आपका है मैदान, देख सकते हैं पूरा खुला होगा ये स्पेस आपका, ये स्पेस भी खुला होगा। सामने रोड है, कमाल का प्रोजेक्ट है ये आपका। सामने का फेसिंग भी आपका खुला हुआ है, हवा आती रहेंगी। ये आपका थर्ड बेडरूम, जो कि ये भी एक मास्टर बेडरूम है, देख सकते हैं स्पेस पहले देख लीजिए। सेकंड बेडरूम की तरफ इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, 2 विंडोज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा विद अ वेरी बिग स्लैब, देख सकते हैं स्लैब की चौड़ाई। एंड ये भी एक मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे भी आपको एक बाथरूम मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। लुक एट द स्पेस, बाथरूम का स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये आपको बहुत ही कमाल का स्पेसियस फ्लैट मिल रहा है, वो भी एकदम प्राइम लोकेशन में। तो आपको ये 3 BHK फ्लैट अगर पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं।